तो आज देखते हैं हम पपीज़ को कैसे डिसेंसिटाइज करते हैं टू टच। यूजुअली आप नेट पे सुनते होंगे कि सिर्फ ट्रीट से डिसेंसिटाइज करना है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि अब बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। जैसे कि मैं उसके पॉज टच करूँगा, वो अगर अपना मुंह जो है मेरे हाथ पे लगाएगा, आई विल करेक्ट हिम, ही इज़ ऑन ए स्लिप लीश, है ना। गुड गुड, अगर नहीं लगाएगा तो गुड के बाद ट्रीट आएगा। गुड, अभी वो खींच रहा है बट आई एम नॉट करेक्टिंग फॉर दैट। गुड गुड, गुड गुड, गुड। पहली बार उसने अपना नाक मेरे स्किन पे टच किया था, तो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं उसे बता रहा हूँ कि एट एनी कॉस्ट उसका माउथ जो है मेरे स्किन पे टच नहीं होना चाहिए, एंड ही हैज़ टू बेयर विद इट। क्यों? क्योंकि वेट्स जब कोई भी जब भी इन फ्यूचर कोई इश्यूज होंगे, वेट्स जब चेकअप के लिए आएगा तो वो बहुत हल्के हल्के से नहीं पकड़ेगा, या ग्रूमर जो है दे विल अप्लाई प्रेशर। तो हम बेसिकली उसे सिखा रहे कि यू हैव टू नोप, हाथ उसका टीथ मेरे फिंगर पे लगा, मेरे स्किन पे लगा, नो करेक्शन। पहली बार नहीं लगा था तो आई डिडंट डू एनीथिंग। गुड, नाउ दांत नहीं लगा था, नोप। लेकिन जब मैं उसको टच करूंगा तब नथिंग इज अलाउड, नाक लगाना भी नहीं, नथिंग। दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। गुड ना, वी आर क्रिएटिंग ए बैलेंस। और आप जो करेक्शंस देख रहे हैं, द डॉग इज नॉट बॉदर्ड, लेकिन द मैसेज इज कन्वेड कि अगर ये करोगे तो देयर वुड बी डिसकम्फर्ट। इट्स नॉट पेनफुल बट यस इट्स अनकम्फर्टेबल। गुड गुड, दिस इज फास्ट आई थिंक। मतलब कोई भी चीज़ डॉग को अगर सिखाने में 6 महीना लग जाए तो दैट्स डिससर्विस, है ना। उनका लाइफ वैसे भी हमारे टर्म में छोटा होता है, तो इफ यू गो एट आवर पेस तो इट विल बी मेरे ख्याल से गलत होगा। गुड, एंड इट्स गुड इफ द डॉग अंडरस्टैंड दैट दिस एज अर्ली एज पॉसिबल, तो देन ही कैन एन्जॉय हिज लाइफ, है ना। गुड, गुड। हम धीरे धीरे क्या करेंगे, वी विल रियली अप्लाई प्रेशर। अभी देखिएगा मैं अगर फिंगर्स के बीच में पकड़ता हूँ, नोप, उसने अपना फेस लगाया था, है ना। अभी जैसे मैं नॉर्मल टच कर रहा हूँ तो लोग यहीं पे रुक जाते हैं कि हाँ बचपन में इतना एक्सेस, ये तो ट्रेन किया था कि हाँ टच करने देता है, वो दांत नहीं लगाता। लेकिन जब ग्रूमिंग किया जाएगा तो एक्चुअली हर फिंगर टच किया जाएगा, है ना, हर नेल टच किया जाएगा, क्लिप किया जाएगा, एंड ही हैज टू डील विद दैट डिस्कम्फर्ट। तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। गुड, नोप, गुड। ट्रेनिंग क्या करता है, डॉग को सीखने पे मजबूर करता है, है ना, सोचने पे मजबूर करता है। गुड, दूसरा पैर। गुड, उसकी अगर गलती से नाक लग जाती है तो मैं करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो भी हमें समझना होगा, है ना। वो अपने बॉडी को लेके इतना अवेयर नहीं है कहाँ पे किधर जा रहा है, बट अगर इंटेंशनली उसने फेस बढ़ाया, मुझे जो भी करता है बूप करने की कोशिश की, तो देन आई विल करेक्ट। गुड, लेकिन मैं करेक्शन के बारे में इतना बोलता हूँ इसलिए क्योंकि और कोई करेक्शन के बारे में बोलता ही नहीं है। तो इफ़ यू हैव टू टीच योर डॉग समथिंग सक्सेसफुली तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं मल्टीपल करेक्शंस, लेकिन डू यू थिंक द डॉग इज हर्ट और वो पेन में है, इज स्टिल वेरी प्लेफुल, है ना, उसे खाना चाहिए। थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं। गुड, और कभी उसने कुछ बड़ा अचीव कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने 2-3-5 सेकंड बहुत देर, गुड, फिर आप क्या कीजिए, मल्टीपल, है ना। गुड गुड
गुड गुड, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि ओके आई हैव डन समथिंग ग्रेट. विमेन उसके टेल्स. गुड गुड बॉय, गुड बॉय, मल्टीपल टाइम्स. धीरे धीरे आज इसका ये मे बी पहला सेशन था ग्रूमिंग में, तो धीरे धीरे हम और डिफिकल्टी बढ़ाएंगे उसके, और भी जहाँ पे वो अनकंफर्टेबल फील करेगा वहाँ टच करेंगे. गुड, नाउ ही हैज स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड. वो जैसे मैं टच करता हूँ सीधा मेरी तरफ देखता है फॉर ट्री. गुड गुड गुड, सी हाउ अर्ली दे अंडरस्टैंड, हाउ फास्ट दे अंडरस्टैंड. हम बस ये है कि हर कोई अपना सर्विस बेचना चाहता है, प्यार से ये दिखा रहा है. नो, डराना धमकाना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा डरना ज़रूरी है, है ना. व्हेन यू थिंक ऑफ रेस्पेक्ट देयर इज ऑल्सो पैरेलली फियर भी चल रहा है. किसी के बारे में भी आप सोचिए जिसे आप रेस्पेक्ट करते हैं, यू विल ऑल्सो हैव फियर पैरेलली, है ना. तो वो मैं उस पर फिर डिस्कशन बाद में करेंगे, इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक. गुड बॉय, लेकिन फियर इज नॉट ऑलवेज बैड. गुड, तो या यही दिखाना था, है ना. हम धीरे धीरे इसकी मतलब इस पर और चैलेंजेस डालेंगे और थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे. बिटवीन द फिंगर्स नेल्स को टच करेंगे, ग्रिप करेंगे, थोड़ा प्रेशर डालेंगे. देन ग्रेजुअली वी विल इंट्रोड्यूस द ग्राइंडर और नेल क्लिपर. तो ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते हैं ना. अगर आपके घर में पपी है तो स्टार्ट डूइंग दिस टूडे, डोंट वेट कि हाँ कल ग्रूमर के पास ले जाएंगे. तो या इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट बिलो. अगर आपके किसी फ्रेंड या कोई रिलेटिव या कोई भी आप पहचानते हैं अगर पपी है तो उनके साथ शेयर कीजिए. ऑफ कोर्स अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा. गुड बॉय.